अस्सलामुअलैकुम टॉप पाकिस्तानी ड्रामा चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ड्रामा सीरियल डंक के एपिसोड 30 की बात की जाए तो सभी इस ड्रामा सीरियल के ऐसे एपिसोड के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि जहां ऐसे प्रोफेसर हुमायूं की बीवी ने सारी हकीकत बता देनी थी तो वहीं पर अमल की हकीकत भी सब पर खुल जाने वाली थी, और ख़ास तौर पर उसके घर वालों पर। आपको बताते चलें कि प्रोफेसर हुमायूं की बीवी की एंट्री ने सबको ही हैरान करके रख दिया और सबको ही इस एपिसोड का भी सब्री से इंतज़ार था कि वो क्या कहने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चले कि ड्रामा सीरियल का एपिसोड 30 आज नशर नहीं किया गया। ईद के छोटे दिन यानी कि ईद के स्पेशल प्रोग्राम्स नशर किए जा रहे हैं, और आज ARY डिजिटल पर ड्रामा सीरियल डंक का एपिसोड 30 नशर नहीं किया गया, बल्कि शहजाद शेख और किंजा हाशमी की टेलीफिल्म नशर कर दी गई हैं। तो दोस्तों, आप इस ड्रामा सीरियल के इस एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड थे, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि ड्रामा सीरियल का एपिसोड 30 अगले वीक को नशर किया जाएगा, और जिसमें आप देखेंगे कि हैदर अब अमल को सबक सिखाने वाला है। अमल ने जो इल्ज़ाम हैदर पर लगाए हैं वो उसका मदावा करने वाला है, और मदावा भी कुछ इस तरह से कि हैदर अमल को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है, उसे ये वादा करता है, एक झूठा वादा करता है कि वो मिनाल को आज़ाद कर देगा, क्योंकि वो तो अमल से प्यार करता है। और आप देखेंगे कि अमल एक बार फिर से उसकी बातों में फंस चुकी है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर अमल अपनी चालाकी आजमाती हैं, लेकिन अब की बार उसकी कोई चालाकी काम करने वाली नहीं है, क्योंकि अमल सबकी नज़रों में गिर चुकी है और सबकी नज़रों में आ चुकी हैं। अब अमल के पास इस बात से इनकार का कोई रास्ता ही नहीं है, और हैदर भी उससे कहता है कि जो इल्ज़ाम तुमने मुझ पर लगाए थे तो मुझे उसे सच भी तो साबित करना है ना, मैं वही कुछ करूँगा तुम्हारे साथ जो कि तुमने इल्ज़ाम लगाए थे। दोस्तों, आप क्या कहते हैं, क्या ड्रामा सीरियल में एक नया मोड़ आने वाला है या फिर ड्रामा सीरियल की एंडिंग होने वाली है? कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।